वो सवेरे हमारा पेट भर रहा है। अरे ऐसे कैसे, बस ये पूरियां मैंने बनाई है उतनी तो खानी पड़ेंगी ना आपको, और उसके बाद ये सब्जी ना आप चम्मच से खत्म कीजिएगा, ठीक है? नहीं। क्यों, पसंद नहीं आई सब्जी? नहीं, हमारे कहने का मतलब है नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत बढ़िया सब्जी है, खत्म तो करेंगे हम। ये लीजिए खाइए। बंटी, बुला लिया आपकी अम्मा जी ने, जाइए ये लीजिए जल्दी जल्दी खा लीजिए, है ना? अब जल्दी जल्दी जाइए नहीं तो अम्मा कहेंगी मैंने आपको रोक के रखा है। जाइए जाइए भागिए। अच्छा बेटा, भूख लगी होगी? हाँ बैठो 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 बैठो, बहुत भूख लगी है। अपने हाथों से खिलाएंगे तुम्हें। लो बेटा। क्या सोच रहा है बेटा? हाँ? खाया था क्या? ना बेटा, कैसे खाए, दवाइयों के चक्कर में जो है 7:30 बजे चाय नाश्ते के बाद हम कुछ खा नहीं सकते, एक बार दवाई ले ली खाना नहीं खा सकते। लो बेटा तुम खाओ। आपके कहने का मतलब है कि ये खाना खुद खाके नहीं देखते? ना बेटा, लेकिन हमको ये पता है हमारे बेटे को जो है अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, उसके हाथ का नहीं बिल्कुल। हाँ खाओ, और खाओ, गरम गरम है, गरमा गरम खाओ। हमारे बंटे को खाओ ना, और खाओ और खाओ। लो बेटा लो, हाँ नहीं नहीं खाना पड़ेगा, हाँ खाओ खाओ, हम खिला रहे हैं तुमको। ये दोनों सब्जियां एक जैसी कैसे बनी? इसमें भी मिर्ची नमक बहुत है। क्या हाल बना रखा है बंटी बेटा, कुछ लेते क्यों नहीं? ये क्या है कि हमारे पास उपाय था नहीं इसलिए उपचार लेकर आ गए। लवण भास्कर जो तुम्हारे पेट में तो ज्वालामुखी है, वो जो आंखों के जरिए फूट रहा है वो इसी लवण भास्कर चूर्ण से शांत होगा। ले लो, नहीं कल सुबह फिर आएगा यह आदिशी खाने का स्वाद। जल्दी से, हाँ फांको फांको। अरे 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 अरे, ऐसे फांको, ऐसे लो, गप जा। अरे बाप रे, ये अचानक हमारे साथ हो गया रहा, ये हमारे तारों की दशा कैसे बदल रही है भाई? चीखा से चमकते चांद पे राहु के अग्रवण कहां से हो रहा है भाई? समझ ही नहीं आ रहा है। नुर्मस्त मगन धर्मस्त। अरे ये क्या है ये? आज सोने की तैयारी पूरी नहीं की? नहीं मैंने की है, केवल अपने तरफ की चादर ठीक की गई है, वहां से बिल्कुल रजाई लगाई गई है और यहाँ सारा बारदान फैला दिया गया है। क्या बात, एक ही पलंग पे ये बंटवारा क्यों, भेदभाव क्यों? कोई बात है? क्या बात है लक्ष्मी जी, बताइए। अरे लक्ष्मी देवी, अपनी चुप्पी का कारण भी बता दीजिए, हम बैठे राम अवधेश आपसे पूछ रहे हैं। अरे ये क्या मजाक हुआ, हम बार 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 प्रेम से पूछ रहे हैं क्या हुआ, लक्ष्मी जी कह रहे हैं, लक्ष्मी देवी जी कह रहे हैं, बता दीजिए क्या हुआ, मिन्नतें कर रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, भूल के कुप्पा हुए बैठी है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, गुस्सा हमें होना चाहिए, आपने जो भी किया है उसके बारे में सोचिए, अपने मन से पूछिए फिर बताइए हमें गुस्सा होना चाहिए कि नहीं। नींद आने लगे तो बत्ती बुझा देना।
बुझा देना, कान के सो गई मुंह फेर के, बात क्या है? माधव। हाँ बोलो माधव। हाँ अच्छा, विदेशी क्लाइंट है। हाँ तो हम खुद आते हैं ना। अरे हाँ भाई रुको, कपड़े तो पहने दो हमें, फोन रखो। फॉरेन क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं? हाँ। अरे तो ये घटिया सी शर्ट पहन के क्यों जा रहे हो? रुकिए मैं आपको अच्छी सी शर्ट निकाल के देती हूँ। अरे सागरिका, इसमें घटिया क्या, अच्छा खासा। ये शर्ट पहनिए, ये लाई थी मैं आपके लिए। इसे पहनकर जाएंगे ना तो आपके क्लाइंट्स पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दीजिए। इसमें क्या बुराई थी? दीजिए ना। अभी ना। तो अम्मा जी को भी बता ही दिया जाए कि उन्हें क्या करना है। अम्मा हम जा रहे हैं, देर हो रही है। अरे रुको रुको रुको, एक तो ऐसा कहना चाहिए हम आ रहे हैं, हैं? और कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मा वो हमारी मीटिंग है ना, विदेश से लोग आए हैं, उन्हें मिलने जाना है। अच्छा बड़े लोग हैं? हाँ बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग। तो ऐसे पुरानी अजीब से शर्ट पहन के कहा जा रहा है तो? रुको। क्यों? अरे अम्मा अच्छी खासी तो है, अरे रहने दीजिए ना अम्मा। रुको। पुराना है इसमें, इतनी अच्छी प्यारी थी। हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं, हैं? खास मौके में पहन के लिए, पहन लो। अम्मा हाँ देखिए हमें ये वाली शर्ट ना बहुत अच्छी लग रही है, हम ये कल पहन लेंगे ना। कल का है? हैं? आज का है नहीं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है माँ, देरी हो रही है, हमें जाने दीजिए। हाँ देरी, एक घंटा लगता है शर्ट बदलने में। चलो बदल लो, चलो फटाफट। अरे अम्मा पर हमें क्या क्या हम ये शर्ट नहीं पहन सकते। क्या है? सागरिका ने दी है? नहीं क्योंकि ये जो शर्ट है जो हम पहने हैं, ये हरी वाली, ये बहुत लकी है हमारा। हम जितने मीटिंग इसमें की है ना सब सफल हुए, तो आज हम ये नहीं पहनेंगे, आज हम यही पहने। तो एक काम करो बेटा। क्या? तुम इसके ऊपर ही शर्ट पहन लो। अम्मा इसके ऊपर ऐसे कैसे लगेगी? देखो ये शर्ट नहीं उतार सकते क्योंकि भाग्यशाली है, हाँ? और ये पहन के तुम जाओगे तो हमारी नाक कट जाएगी, लोग कहेंगे देखो लक्ष्मी का लल्ला कैसे अजीब सा शर्ट पहन के जा रहा है, हाँ? सुनो हमारी बात, ये पहन लो तुम। दिमाग अकड़ा हुआ है तुम्हारा, हाँ बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, आप हमारी मर्जी, बटन लगाओ नहीं तो ऐसे ही खुला छोड़ो, फैशन है। जा। बहुत अच्छा लग रहा है। देखा डबल धमाका। वाह क्या बात है अम्मा जी। अरे सागरिका। हाँ? एक तो मार्च की एक गर्मी, ऊपर से ये दो दो शर्ट पहनाई दी हमें। अरे आप आ गए, ले लीजिए पानी। कैसी रही मीटिंग? जी अच्छी थी। अच्छी तो होनी थी, मेरी दी हुई शर्ट जो पहन के गए थे आप। और नहीं तो क्या। अच्छा अभी चलिए। कहाँ? अरे आपको पता है मैं कब से तैयार बैठी हूँ, देखिए पर्स भी साथ में लेकर आई, मुझे शॉपिंग जाना है तो मैंने सोचा आप आ जाएंगे तो आपके साथ ही चलूंगी, है ना। चलिए 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 चलिए। बंटी बेटा आ गए, चलो हमें मंदिर तक छोड़ा, संकट मोचन मंदिर जाना है। जी चलिए अम्मा। अरे नहीं नहीं बंटी, हम अभी शॉपिंग चल रहे हैं ना। बंटी हमें मंदिर लेके जा रहे हो? बंटी मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे मंदिर जाना है। हाँ अम्मा हम शॉपिंग। अच्छा सुनिए, आज हम घर पे हैं। क्यों? अभी तो आप कह रहे थे आप चलेंगे मेरे साथ शॉपिंग। हाँ लेकिन अब हम घर पे हैं। अच्छा है, पत्नी के साथ बाजार जाएगा बंटी, लेकिन अम्मा के साथ मंदिर नहीं जाएगा। काहे? है? हमारा पेट खराब हो गया, हमें ना बहुत जोर से प्रेशर। नहीं नहीं बताओ, अरे बताओ जल्दी आके बताओ तो। अरे बेचारा बंटी। आ बहू हम तुम्हारे साथ चलते हैं, पहले मंदिर जाएंगे फिर बाजार चलेंगे, हैं शॉपिंग के लिए। चलिए अम्मा जी बड़ा मजा आएगा। शाम तक सब कुछ ठीक था।
अचानक हमारे साथ हो क्या रहा है? अम्मा और सागरिका को साथ में पूरी भाजी भी खिलानी है एक ही समय में, अपने अपने पसंदीदा शर्ट भी बनाने, वो भी इतने प्यार से, और तो और एक साथ हमारे साथ बाहर भी जाना है। समझ नहीं आ रहा कहीं फूट डालो राजपुर के चक्कर में हम ना फूट लें। अरे इतना प्यार, पेट कैसा है आपका? पेट हमारा बहुत बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि हम सोच रहे हैं हम थोड़ा घर के बाहर हो आए। अच्छा सुनिए, तो घर के बाहर जाइए, मुझे ना कुछ सामान चाहिए था, मिला ही नहीं यहाँ कहीं, तो आप प्लीज रामनगर से ले आइएगा, ये है लिस्ट, सब ले आइएगा। ले आएंगे। ओके बंटी बेटा, यहाँ यहाँ ये अम्मा। बेटा कुछ सामान लाना है हमारे सारनाथ से, हैं? लौटते वक्त लेके आना तुम। सारनाथ तो दूसरा छोर हो जाएगा ना हमारे लिए। दूसरा छोर कैसे हैं? तुम कहाँ जा रहे हो? रामनगर। रामनगर? रामनगर कहाँ जा रहा है तू? सारनाथ से लाना है। रामनगर हम ओ हमारी वो बाइक का जो टायर है। समझ गए, सागरिका ने कुछ मंगवाया है रामनगर से, इसलिए दौड़ रहा है तू, है? नहीं। ओहो, सागरिका के लिए तू जो है रामनगर जा सकता है, अम्मा के लिए सारनाथ नहीं जा सकता है, तुम्हारी टैक्सियां तो जाती रहती है। ऐसे बोलो। जाएंगे। तो लो जाके लेके आओ सारा सामान, है? देखो रामनगर एक सारनाथ, दोनों को तो कुछ कर नहीं सकते ना, मेरे आज तो बंटी भैया किसी को कर नहीं सकते, काम सबका करना है। हाँ क्या हुआ? क्या बताएं बाबूजी, जरा संघ की तरह विभाजित हो गए हैं बाबूजी। हमको तो लगा था अम्मा और सागरिका का झगड़ा होगा तो हम चैन की जिंदगी जिएंगे राजाओं की तरह, यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही होते जा रहा है। वो एकदम मिलके जैसे हमारे पीछे ही पड़ गई, एक साथ हमें काम देती हैं, एक साथ हम पे प्यार आता है, दोनों अलग अलग दिशाओं में खींच रही हैं, बस खींचे जा रहे हैं हम। बाबूजी हम क्या करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा। अरे तो क्या महान दृश्य है, पिता पुत्र मिलके जो है अपनी पत्नियों को उल्लू बना रहे हैं, हैं? हमें तो पता ही नहीं था हमारे पति इतने खुराफाती हैं। मुझे भी पता नहीं था अम्मा जी कि मेरे पति मुझे इस तरह धोखा दे सकते हैं। अरे नहीं लक्ष्मी जी, वो बात, अरे सुनिए तो, सागरिका आप तो समझ ही जाएंगे। मेरा सामान रामनगर से लेकर आइए अभी। जी ले आएंगे, अब बताइए क्या करें। अरे हम तो कॉलेज जा रहे हैं, देर हो रही है भाई हमको। अरे अब तो आप बंटी जी आ रहे हैं। आ गए, दिखाइए आपका पूरा सामान, काफी भारी है। हाँ सब है। अरे वो काशुंदी तो है नहीं इसमें। अरे हाँ वो काशुंदी हमें मिली नहीं रामनगर में, तो कहीं और से ले आते आप। हाँ तो वही हम आपको। अम्मा का तो सारा सामान लेकर आए हैं ना जी। I'm sure, मुझे तो हमेशा से ही पता था आप न सिर्फ अपनी अम्मा के बेटे, मेरे पति तो आप है ही नहीं। अरे पर आप इसे... बंटी, बंटी जी अम्मा आ रहे हैं। आ गया बुलावा, जाइए जाइए। जी अम्मा ये क्या है, ये क्या है? हाँ तुम्हें कहते हैं राम प्रकाश वेद प्रकाश ही कपूर लेके आना, ये क्या लेके आए हो? हाँ
उस दुकानदार के पास यही था ना, मैं तो दूसरी दुकान चले जाते हैं। सारनाथ में कितनी दुकानें हैं, शास्त्री जी के यहाँ चले जाते, वहाँ मिल जाता है। जाओ अब सारनाथ जाओ और वही कपूर लेके आओ। जाओ अम्मा जी क्षमा दे दीजिए, पर दंड मत दीजिए। दंड? हाँ, माँ का सामान लाना दंड होता है? टीवी का सामान लाया हो, कोई गलती किए हो, कैसे करोगे, कैसे करोगे? हाँ, माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। इस लब्बू हो गए हैं शादी के बाद बिल्कुल ही। हाँ, इस लब्बू बने रहो, सामान लेके आओ। जाओ सारनाथ में तो बात ही नहीं करेंगे हम। हाँ चाहिए हमें कपूर जी। कहा मेरे शेर, कैसे हो? ऐसा लग रहा है 13-14 सब एक ही साल बज गया। खबर है पूरे घर में है, तुम्हारी लगी पड़ी हुई है। आप हार जाएंगे, मोहल्ले का बच्चा बच्चा हमारा थोपड़ा देख के बताएगा। ये देखो बंटी भैया जा रहे हैं, इनकी तो बैंड बजी पड़ी। अच्छा एक बात बताओ कि इसके जिम्मेदार कौन है? तुमको नहीं पता? जरा गौर से सोचो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इस सब के जिम्मेदार स्वयं हो तुम। सबको खुश करने के चक्कर में पड़े रहोगे तो जीवन में यही उपद्रव मचा रहेगा जो तुम्हारे साथ मचा हुआ है। इधर से आवाज आए तो, उधर से आवाज आए तो, अम्मा बुलाए, बाबूज बुलाए, चाची बुलाए, ताई बुलाए, गली के मोहल्ले की नानी बुला दे, एक ही आवाज आती है, बंटी। पर बंटी के मुंह पर भी एक ही बात, हम है ना। अबे जब तुम स्वयं गड्ढा खोदे हो तो गिरोगे नहीं, है कि नहीं? झेलो। मैं एक बात बताइए, आप हमारी मदद करने आए हैं, हमें समझाने आए हैं, या हमारे घावों पे नमक डालने आए? हम तुम्हें मिसाल देने के लिए आए। तो किसकी? किसकी? स्वयं अपनी। हाँ भोलेनाथ को याद कर लो, हम तुमको बता रहे हैं। शादी के पहले दिन से हम अपनी पत्नी के लिए रोज सुबह सुबह उठ करके चाय बनाते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने डालने के लिए, और किसी के लिए नहीं। लोग क्या कहते हमको कि भैया जोरू का गुलाम बन गया, ही तो हाथ से निकल गया, इनसे ना उपा सकेगा, सबकी सुनते हैं। इधर से और इधर से झट से निकाल देते हैं। और क्यों ना हो भला, वो एक लड़की जो अपना घर बार छोड़ करके हमारे घर पे आई है, क्या उसके लिए मित्रा भी ना करे? का ख्याल, उसकी जिम्मेदारी तो हमें को रखनी पड़ेगी ना, इसलिए तो कोई और आएगा नहीं। अरे आपकी बात भी सही है भैया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अम्मा को भूल जाएंगे। भैया अम्मा भी तो हमारी वही अम्मा है ना, जिन्होंने हमें पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, इतनी बढ़िया परवरिश दी, अरे आज तक देखभाल करती है हमारी, रोज रोज नए जीने की उम्मीद दी है हमें, इसे तो भी ना भूल जाएंगे। एक पत्नी के लिए संभालेंगे तो दोनों को ही संभालेंगे ना। तुमने कहा तुमको कि अम्मा को भूल जाओ, बाबूजी को भूल जाओ, हैं? ये बात तो हम बिल्कुल भी नहीं कहा। अरे सुनो भैया सबकी, पर जीवन में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है ये तो तुम्ही को सोचना पड़ेगा ना, या हमको सोचना पड़ेगा? सबको खुश करने के चक्कर में यही रहेगा तुम्हारा चेहरा जो तुम्हारा बना हुआ है। स्वयं प्रभु भगवान जी भी नीचे जमीन पर आ जाएंगे तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, वो यही कहेंगे हमसे ना उपा सकेगा बंटी। आई बात समझ में? महापुराण है वहां की कहानी है, सुन लो। 3 सासों के चक्कर में एक बहू वनवास चली गई थी, समझ रहे हो? सासों को झेलने के डर से वनवास जाना स्वीकार कर लिया, घर में नहीं टिकी। बाकी बड़े बुजुर्ग कह करके गए कि समझदार को इशारा काफी और बच्चों को गुब्बारा का, बाकी तुम खुद समझ लो। पप्पू भैया की कुछ कुछ बातें तो सही हैं, हमें सबसे पहले सागरी को और अम्मा को मनाना होगा, तब जाके ये गाड़ी पटरी पे आएगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।